हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन क्या होता है वो पहले हम समझ लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर इट। प्रीपोजिशन कौन सा वर्ड होता है जो रिलेशन बताता है, जो वर्ड्स आते हैं उसके बाद, जो प्रीपोजिशन यूज होता है उसके बाद जो वर्ड्स आते हैं उनका रिलेशन, उनकी पोजिशन, उनकी कंडीशन, वो जो बताने वाले वर्ड्स होते हैं, कंडीशन नहीं सॉरी रिलेशन और उनकी पोजीशन बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशंस। प्री यानी पहले, प्री मतलब क्या होता है पहले, और पोजीशन यानी उनकी जगह। तो ये जो दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रो सैट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। क्रो सैट ऑन द ब्रांच, द ब्रांच जो नाउन है उसके पहले ऑन आया है। ऑन जो है वो क्रो की पोजीशन बता रहा है कि वो एक्चुअली है कहां पर, है ना। द क्रो सैट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री यानी वो कहां पे बैठा है, कौवा कहां पे बैठा है उसकी पोजीशन ये बता रहा है, इसलिए ऑन जो है वो बन गया प्रीपोजिशन। अ फॉक्स सैट अंडर द ट्री। फॉक्स सैट अंडर, अंडर क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है क्योंकि ट्री के पहले आया है। ट्री जो है वो नाउन है और उसके पहले उसकी पोजीशन यानी फॉक्स की पोजीशन दिखाने के लिए ये वर्ड यूज किया है कि वो अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे बैठा है। तो अंडर जो है वो हो गया प्रीपोजिशन। द बॉय रैन टुवर्ड्स द हाउस। द बॉय रैन कहाँ पे दौड़ा है, टुवर्ड्स द हाउस घर की तरफ। तो टुवर्ड्स जो है ये बन गया प्रीपोजिशन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशंस, ये हमें किसी चीज की जगह, डायरेक्शन, रिलेशन ये सब बताते हैं और इसलिए उनको बोला जाता है प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। तो प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ प्रीपोजिशंस मैं आपको बता रही हूं। कौन से प्रीपोजिशंस कहां पे यूज करना है। इन, इन जो है किसी भी चीज के अंदर, अगर ऐसा हमें कहना है तो हम क्या यूज करते हैं, इन। ऑन, ऑन यानी किसी चीज के ऊपर और वो उस चीज को टच किया हुआ रहना चाहिए। कोई भी चीज अगर, जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, टेबल को टच किया हुआ है पेन ने, इसलिए उसको ऑन द बोला है, ऑन द टेबल। द, उसी तरह ओवर, ओवर का और ओवर और ऑन में क्या फर्क है। ऑन जो है वो दो चीजें टच की हुई रहती है तब यूज होता है, लेकिन जब दो चीजों में डिस्टेंस है, टचिंग नहीं है, तो तब हम यूज करते हैं ओवर। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, है ना, तो फैन मेरे सर के ऊपर है तो मेरा सर उसको टच कर रहा है क्या, नहीं। तो इसीलिए ऐसी जगह पे हमें ओवर यूज करना है। उसी तरह अंडर, अंडर क्या होता है किसी चीज के नीचे, तो उस समय हमें यूज करना होता है अंडर। ओवर, अंडर, देन बिटवीन। बिटवीन हम कब यूज करते हैं, जब कोई दो चीजों के बीच में, अगर हमें ऐसे बोलना है कि दो चीजों के बीच में, द फ्लावर पॉट इज केप्ट बिटवीन द क्या बोलेंगे, द चेयर एंड द सोफा। द फ्लावर पॉट इज केप्ट बिटवीन द चेयर एंड द सोफा। तो यहाँ पे बिटवीन जो है चेयर और सोफा, ये दो चीजों के बीच में हमने बोला है, इसलिए यहाँ पे आया है बिटवीन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अमंग। अमंग और बिटवीन में क्या फर्क है। अमंग जो होता है वो बहुत लोगों के बीच में, बहुत चीजों के बीच में, अगर ऐसा हमें कहना है कि अमंग ऑल द स्टूडेंट्स राजू इज द ब्रिलियंट वन, यानी सारे बच्चों के बीच में, पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में सबसे ब्रिलियंट कौन है, राजू। तो ये जो है अमंग जो है, हम बहुत सारे चीजों के बीच में अगर हमें ऐसा बोलना है तो हम यूज करते हैं बिटवीन। जो है वो दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में, तो दो के बीच में अगर हमें मेंशन करना है तो बिटवीन आएगा, और अगर बहुत दो से ज्यादा के बीच में करना है तो अमंग आएगा। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज थ्रू। थ्रू, थ्रू यानी किसी चीज के अंदर से जाते हुए। आई, द ट्रेन मूव्स थ्रू द टनल। द ट्रेन मूव्स थ्रू द टनल। टनल पता है ना आपको, जो पहाड़ियों के बीच में रास्ता बना रहता है अंदर से,
और वहां पे पूरा अंधेरा छा जाता है जब ट्रेन क्रॉस होती है उसके अंदर से, है ना, तो दैट इज कॉल्ड टनल। तो टनल के अंदर से वो घुस के बाहर निकलती है, तो ऐसे समय हमें क्या यूज करना पड़ता है, थ्रू। तो थ्रू इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज और क्या ले सकते हैं हम, बिफोर। बिफोर यानी सामने, आगे, आफ्टर, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन ही है। उसके बाद अक्रॉस, अंडर, ओवर हो गया है, ये हो गया है। उसके बाद आउट, ये भी है। देन फ्रॉम, टू, एट, ये सारे जो है ये सारे एक्सेट्रा कर देंगे हम, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो हम पोजीशन के लिए, रिलेशन के लिए यूज करते हैं, जहां पे नाउन प्रोनाउंस के पहले ये वर्ड यूज होते हैं रिलेशन दिखाने के लिए या उसकी पोजीशन डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो वो वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशंस। क्लियर एवरीवन? सो इन द नेक्स्ट टॉपिक हियर ओनली इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द कंजंक्शंस ऑल्सो। व्हाट इज कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस? द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। कंजंक्शन, अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि देखो, आई वर्क्ड हार्ड बट आई फेल्ड। अब इस सेंटेंस में देखो, आई वर्क्ड हार्ड ये अलग सेंटेंस है और आई फेल्ड ये अलग सेंटेंस है। अब ये दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? बट ने किया है, इसंट इट? उसके बाद और एक लेंगे हम, रीना एंड प्रीति आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये जो है इसमें रीना और प्रीति ये दो जो वर्ड्स है, नेम है, उनको जोड़ने का काम किया है एंड ने, इसंट इट? अब नेक्स्ट और लेते हैं हम, आई टेक टी और कॉफी इन द इवनिंग। इस सेंटेंस में टी और कॉफी इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम जो किया है और ने किया है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, तो वो वर्ड होता है कंजंक्शन, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। ऐसे बहुत सारे हैं, एज वेल एज है, नो सुनर है, नो सुनर देन, ये जो सारे वर्ड्स है या फ्रेजेस है ये होते हैं कंजंक्शंस, जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो बट कहाँ पे यूज किया है? कि कोई कंडीशन है जो, मतलब सिचुएशन है वो, उसके एडवर्स इफेक्ट हमें जब दिखते हैं, यानी जो काम हमने किया है उसका अपोजिट जब हो जाता है उसका रिजल्ट, तब हम बट यूज करते हैं। एंड जो है दो चीजों को जोड़ने के लिए। उसके बाद और तब यूज करते हैं हम जब दोनों में से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। अब टी और कॉफी दोनों एक साथ लेंगे क्या हम? नहीं, एक या तो टी लेंगे या तो कॉफी लेंगे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन जब आती है कि दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, एक ऑप्शन को रेफर करना है, तब हमें और यहाँ पे यूज करना है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन है जो इस तरह से जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को, फ्रेजेस को या वर्ड्स को जोड़ने का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं कंजंक्शंस। अब हमारा लास्ट वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस, अब इंटरजेक्शंस में आपको मैं पहले कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं। अलास, ही इज डेड। अलास, ही इज डेड। ओ शिट, वी
lost the match. Hooray! We won the match. ही लिखेंगे फिर से. We won the match. अब देखो ये जो सेंटेंसेस है इसमें इंटरजेक्शंस कौन से हैं? इसमें इंटरजेक्शंस है अलास, ओ शिट, हुर्रे. ये जो वर्ड्स होते हैं ये सडनली हमारे अंदर से जो फीलिंग्स है वो बाहर निकलती है सडनली. उसमें हम सोचते नहीं हैं, सोच समझ कर ये बोले हुए वर्ड्स नहीं होते, ये अचानक निकल जाते हैं. तो ऐसे वर्ड्स जो अचानक निकल जाते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे ओ नो वी लॉस्ट द मैच, अरे हमने तो मैच खो दिया है. उसके बाद हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे आई वन द कॉम्पिटिशन, हुर्रे आई केम फॉर आई हैव फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम्स. तो ये जो है ये हुर्रे जो है, अलास जो, अलास ही इज डेड, अलास ही इज डेड, अरे रे वो मर गया. तो ये जो वर्ड्स होते हैं अलास, ओ शिट, हुर्रे और भी बहुत सारे हैं, तो वो जो होते हैं उसके बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क. ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हर इंटरजेक्शन के बाद आता है, ये आपको याद रखना है. और ये जो वर्ड्स होते हैं अलास, ओ शिट, हुर्रे, ये सब वर्ड्स जो है ये होते हैं इंटरजेक्शंस. इनको बोला जाता है इंटरजेक्शन, जो सडनली फीलिंग हमारे अंदर से आती है बाहर और हम कोई सेंटेंस बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जनरली. और उसके अंदर जो हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शंस. तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये है इंटरजेक्शंस. अंडरस्टूड एवरीवन? सो हियर आई हैव फिनिश्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियोस देख लो, ताकि आपके सारे के सारे 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो कवर हो जाएंगे. मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब लिया है, सिर्फ वर्ब बाकी है. तो वर्ब मैं सेपरेट में लेने वाली हूँ. एक ही पार्ट ऑफ स्पीच बचा है वर्ब, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में मुझे लेना है. उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये सब मैं लेने वाली हूँ. तो ये नए सेशन में हम लेंगे और नए वीडियो में हम देखेंगे. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.